सभी को सादर नमस्ते। मैं आया हूँ जगाधरी, बर्तन मार्केट है, बड़ी बड़ी बर्तन मार्केट है, पीतल की स्टील की। तो कुछ दुकानें दिखाएंगे आप लोगों को। मामन चंद एंड संस है, तो ये जगाधरी के बर्तन मार्केट के मेन बाजार में ये दुकान है। तो कुछ बर्तन दिखाएंगे यहाँ पे, भाई स्टील के हैं, पीतल के हैं, कांसे के हैं, तांबे के, जो जो भी हैं। तो कौन सा हैंडल करेगा ये भाई दिखाएगा, तो चलो देख लेते हैं। पीतल पीतल के हैं ज्यादा, जैसे ये है पीतल में, हमारे पास आपको ग्लास मिल जाएगा, आपको ग्लास मिल जाएगा इस टाइप की, इसमें सही आते हैं तीन। अच्छा, इस टाइप का जो आजकल ट्रेंड में है, तीन तरह के हैं इसमें, तीन तरह के सही जाते हैं, मतलब डिजाइन तीन है ना, डिजाइन एक ही होता है, सही जाते हैं। अच्छा, साइज अलग अलग, 16, 18, 20। अच्छा, इसमें ये छोटा जाता है ग्लास, एक ये बताते हैं, एक ग्लास लेगा छतरी ग्लास, अंदर वाले सर्दी ग्लास जी इनका। ये जो होते हैं ये किलो के भाव में है, एक पीस के हिसाब से आता है, पीस का। हाँ जी, क्या क्या रेट है इसका, इसका एक क्या है, चदरी वाला, ये चदरी है, ये तोल से आता है, ये तोल के आता है। अच्छा, तोल के ये आता है पीस वाला, ये वाला पड़ता है आपको मैक्सिमम पड़ता है 180 पर ईच। अच्छा, हाँ जी, जो इससे बड़ा 180 पर ईच, जो इससे बड़ा है वो पड़ेगा अंदर आपको 260 रुपए के आसपास, उससे बड़ा पड़ता है 320 रुपए के आसपास। किलो का नहीं, ये पर पीस का, ये पर पीस वाला है, ये किलो वाला है, किलो का भाव, ये किलो का है, ये 680 रुपए किलो है। ठीक है, और दिखाओ प्लेन, वो प्लेन वाला दिखा दो। नहीं, ये कांसे का आता है, ये कांसे का, ये कांसे का आता है, प्योर कांसा है ये। अच्छा, ये प्योर कांसा है। इसका क्या भाव है, ये पड़ता है पर इंच 400-480 रुपए का एक पीस है, ये 480 रुपए का एक पीस है, प्योर है 100%। अच्छा, कांसी की टोरी मिल जाएगी आपको, उसके बाद सब कुछ मिल जाता है, थाली, जैसे कि ये थाली आती है कांसी की, प्योर थाली है, कहीं जब जाएगी चेक करवा लो, फैंसी वाला थाली, फैंसी कांसे की थाली है ये, कांसी की थाली है। ये वेट का हिसाब होता है या पीस का? जी, ये पीस के पर तोल की है, ये तोल का, तोल क्या रेट है तोल का? इसमें रेट अलग अलग आता है, जैसे कि आपका 1200 रुपए किलो भी आता है, 1500, 1800, 2400, 3000 पता लगता है। नहीं, इसमें क्या अंतर, चीज देख देख के है, नहीं क्या अंतर, ये थाली है, ये थाली नकली है। अच्छा, ये असली नहीं है, स्टील है ना, है कांसी पर नकली है, मिलावट है, मिलावट होती है इसके अंदर। कैसे पता चले इसका? अब ये इसमें कांसी है, जब तक इसकी आवाज बंद नहीं होगी, रोकोगे नहीं इसको आप, इसकी आवाज गूंजती रहेगी, आपके कान में गूंजेगी, आपके कान लो अपना, गूंज रही है। अरे वाह, जब तक उसको बंद नहीं करेंगे तब तक वो गूंजती रहेगी। अभी नकली है, इतना मछली मार लो, इसके बाद सारी बंद हो जाएगी, अपने आप बंद होगी, कान का लगा कर देखिए, आओ है आवाज, अपने बंद हो जाएगी, अच्छा बंद हो जाएगी, बंद हो गया, ये सिलिकॉन प्योर है, ये पहचान है इसकी। हाँ जी, अभी आता है इसकी थाली पीतल की अंबिका, ये पूरा सेट, ये सेट है, पूरा ये पूरा सेट है, साइज भी लेगा इसमें 12 इंची, 13 इंच, कटोरी कटोरी और कटोरी भी लिया इसकी फैंसी वाली, 12, 13, 14 इसमें से आते हैं तीन आपके। अच्छा, हाँ जी, 12, 13, 14 साइज, 12 इंची है, 13 इंची आता है, 14 इंची आते हैं साइज। ये पूरा सेट कितने का है? मैक्सिमम आपको सेट पड़ जाता है, बताऊंगा अंदाजा, 1800 रुपए के आसपास एक सेट पड़ जाता है, 1800 रुपए के आसपास एक सेट है। हाँ जी, ठीक। और ये जो रखा है, ये कॉपर की हंडी आती है जल्दी होटल में। अच्छा अच्छा, होटल में सब्जी वगैरह के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कटोरी, ये कटोरी, ये होगा पूरा सेट, सेट हो गया पूरा उसका, ये पूरा सेट 1800 रुपए का बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, 1800 रुपए का ये अंदाजा है, अभी अंदाजा है, मतलब डाउन हो जाए। ये आती है कॉपर की थाली, सॉरी कॉपर की बाटी आती है, अभी होटल में यूज होती है आपकी। हाँ जी, ये कितने रुपए की है? ये बता दूंगा मैं पूछ के भी, क्योंकि भी आया ही है माली वाला मेरे पास। अच्छा, नए रेट में देख के चलूंगा। ये तोल में है या भाव में है वैसे? ये तोल के आता है जी। अच्छा, तोल के आता है। इसमें ये तो आती है तांबे की, इसकी चिल्ली भी आती है। अच्छा, सेम चीज होगी, ये इस टाइप की आती है, सेम वो तांबे की है, ये सेम स्टील की आती है, ये सेम स्टील, ये सेम स्टील। इसका भाव पता है? ये ऐसा हो गया आपका लगभग 650 रुपए किलो, 650 रुपए किलो।
अच्छा, और ये दिखाइयो ये मसाला कुटने की कुंडी सी पित्तल वाली। हाँ जी, ये है, ये पित्तल का कुंडी छोटा होता है। अच्छा, पित्तल है, प्योर है, प्योर पित्तल है, प्योर पित्तल है। सिल्का भी आता है, एल्युमिनियम भी आता है। अच्छा हाँ जी, ये कितने का है? अगर इसी को कोई लेना था, ऐसा होगा 1900 रुपए के आसपास। 1900 रुपए भारी में आता है, लगभग 1.5 किलो का कल्ला कल्ला होगा। तो और स्टील का स्टील में आपको मिल जाएंगे डोलू फैंसी सारे मेरे पास। पानी की बोटल्स, फैंसी जग्स। तोल के भाव में है या वैसे? ये पीस से आता है, पर पीस है, पर पीस। ये कितने का है ये? ये वाला हाँ। ये होगा 550 रुपए का, 580 रुपए के आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बाद आपको डोंगे मिल जाएंगे फैंसी। हाँ। जग मिल जाएंगे सारे फैंसी, आपको फैंसी ग्लास मिल जाएंगे सारे मेरे पास, जितने भी चाहोगे डिजाइन के। अच्छा, सौ डिजाइन मेरे पास है। अच्छा, एक जैसे ये रखा है ये जग? ये भी ये पीतल का है, पीतल का है। ये 1580 रुपए का। 1580 रुपए का? हाँ जी, प्योर पीतल है, प्योर पीतल है। कांसी को कांसी मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपको हॉकिंस, जितने कुकी कहोगे हॉकिंस के मिल जाएंगे, क्योंकि हॉकिंस का है सारा माल मेरे पास मिलता है ज्वेलरी में। अच्छा हाँ जी, और ये लोटा कितने का है? लोटा, ये लोटा तोल के है? ये तोल के है जी। अच्छा हाँ जी, क्या भाव है इसका? 850 रुपए किलो आएगा आपका ये। 850 रुपए किलो? हाँ जी। और ये परात? जो ये परात है ये आपकी 680 रुपए किलो पड़ती है आपको। ये 680 रुपए किलो? 680 रुपए किलो पड़ती है वाली। ये 680 किलो पड़ती है। ये क्या अपनी? 850 रुपए किलो वाली पड़ती है ये। 850 रुपए किलो जो ये है, ये अगर पित्तल का सॉस पैन है। अच्छा, इसके अंदर कली करी हुई है। कली के होते हैं इसमें, आपको बंदा खा के बीमार नहीं पड़ता है। इसको खट्टा मीठा कुछ डालो मर्जी, आप खराब नहीं होता इसको बिल्कुल भी। ठीक है, कली तो करवानी चाहिए। कली करवानी चाहिए। जो कली आती है आपकी 3 महीने चलती है, 3 महीने उसके बाद फिर करवानी पड़ती है। हाँ जी, वो शरीर के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, आप कौन सी औषधि होती है वो? उसका नाम है कली है। कली का नाम है। अच्छा अच्छा हाँ जी। ये क्या है? ये पित्तली कड़छी है। अच्छा अच्छा, इसमें खाना बनाने के लिए ज्यादातर स्टील लोग पहले इसको यूज करते ज्यादातर पहले। हाँ जी, ये किलो में है या वैसे? ये अब ज्यादा पीछे बिकती है, पहले आती है तोल के। क्या रुपए की है ये? ये अंदाजा होना चाहिए 520 रुपए के। एक कड़छी कितना? साइज छोटा है। वजन कितना है इसमें? इसका होगा आपका 400 ग्राम। 400 ग्राम ठीक है। इसके बाद फिर आपकी वो आती है पित्तल की कड़छी, और पित्तल के स्पून आते हैं, पित्तल के चम्मच भी आते हैं। वो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये सेट है, इसमें दिखा दो।6 डोंगे 3 डोंगे चम्मच 1 चावलों की ट्रे 1 चावलों का चम्मच 12 कटोरियां 6 छोटी 3 डोंगे 3 डोंगे चम्मच 1 चावलों की ट्रे 1 चावलों का चम्मच 12 कटोरियां 6 छोटी 6 बड़ी। ठीक है जी, पूरा सेट हो जाए। सेट है पूरा, खाना खाना 6 बंदों का। 6 बंदों का ये तांबे का लोटा, तांबे का जग आता है। हाँ, ये तांबे का जग है। इसमें तांबे का लोटा मिल जाएगा आपको, तांबे की प्लेट, तांबे का गिलास, तांबे की कटोरी सब मिल जाएगा इसमें आपको, जो भी कहोगे वैरायटी आपको। अच्छा, हाँ जी। ये क्या भाव है? 1250 रुपए किलो। 1250 रुपए किलो? हाँ किलो, ये मेन बात है ना। हाँ जी, इसमें हर एक वैरायटी मिल जाएगी आपको जो भी चाहेंगे। अच्छा अच्छा, अपने पास है सब? हाँ, सब अवेलेबल है। जितने भी इसको क्वान्टिटी चाहिए तो गिफ्ट करना है, हर चीज मिल जाएगी इसमें। आप आइटम और मिल जाएगी, न्यू आइटम आई है बस अभी, कली वाला आया। इसमें ये 6 ग्लास की पैकिंग खोली, ये 6 ग्लास की पैकिंग आती है। अंदर तांबा है, बाहर स्टील है। अंदर तांबा, बाहर स्टील का वो है पॉलिश। हाँ जी, डबल लेयर में। अच्छा, डबल लेयर में आती है। वो क्या कारण है क्योंकि ऐसा अंदर एक गिलास वो है, बाहर ये स्टील की परत है ताकि साफ वाफ करने में दिक्कत ना हो, उसको मांजने में वो काला हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जग इसमें जग मिल जाएगा आपको सेम। अच्छा, ये जग आता है सेम, ये भी ऐसे ही है। वाह भाई वाह, बढ़िया। बाहर से दिखाइयो कितना करियो, शानदार। ये कितने रुपए का है? ये 550 रुपए। और ये सेट कितने का है? ये सेट वो गिलास वाला नंबर देख
इसमें पैक आता है आपका। अच्छा इसमें ये भी आता है, उसी में आपने इसमें ये डिजाइन आता है। हाँ वाह भाई वाह, ये वही है उसमें अलग थोड़ा डिजाइन चेंज है। हाँ दो डिजाइन चेंज है। अंदर से दिखाइए खोलिए। पानी शाम को रख दो और सुबह पी लो। क्या लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग एक वो लेगा तांबे की पानी की बोतल, लोग क्या करते हैं कि सारा दिन तांबे का पानी पीते हैं। वो नहीं पीना चाहिए, सुबह सुबह ले सकते हैं, रात को भरो और सुबह पी लो, तब तो आपका फायदा है। अगर आप सारा दिन पियोगे तो आपका शरीर को नुकसान देगा, ज्यादा हो जाएगा ना, वो नुकसान देगा शरीर में, ज्यादा गिला देगा आपको, नुकसान करेगी वो। ये तांबे की बोतल आती है, अच्छा इसमें आपको बहुत तरह के डिजाइन मिल जाएंगे। ये तो स्पोर्ट्स भी आता है ना योगा वाला, इसमें आपको वो मिल जाएगा, पिकआउट में आता है मोर वाला डिजाइन, वो मिल जाएगा इसमें। ये क्या रुपए की है? 450 रुपए की। 450 रुपए की, ठीक बहुत। बाल्टी है, ये वजन के हिसाब से है, ये वजन के हिसाब से आती है। दूध वगैरह लिए, गाय का दूध निकालना हो? हाँ जो मुझे निकालो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दुकान कहाँ है ये, इसका एक बार बताइए। हाँ जी इसका एड्रेस बता दो दुकान का। हमारी दुकान जगाधरी में पड़ती है, चौक बाजार में। जगाधरी में चौक बाजार, चौक बाजार खेड़ा मंदिर के पास। फोन नंबर कोई संपर्क करना, हमारे हमारे जो ओनर का नंबर है 93-55-30-33 93-55-30-33 कोई संपर्क करना चाहे तो कर सकता है। मतलब जिस आपका हो गया जैनवन रेट में मिलेगा, रेट भी जायज मिल जाएगा, ज्यादा बढ़िया। मार्केट में बढ़िया। ये शॉप के ओनर हैं जी, अभी आए हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति, इनका स्टाफ भी बहुत बढ़िया, सारा सब कुछ अच्छे तरीके से दिखाया और बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये अंकल जी करते हैं बर्तनों पे कलई, अभी दिखाएंगे थोड़ा करके। ये नुसादर है जी। नुसादर? हाँ जी। अच्छा क्या काम आता है इसमें? ये तो ये कली है, ये कली है, ये नुसादर है। नुसादर के बगैर ये जिससे कली होती है अंकल जी, कौन सी धातु होती है वो, ये क्या चीज है ये? ये भाई साहब कली होती, जैसे सिल्वर धातु है, तांबा धातु है, ऐसे ही ये धातु है। अच्छा ये कली धातु है, नाम ही कली है। नाम ही कली है। तो ये शरीर के लिए अच्छी हो है, शरीर में जाए तो नुकसान ना करती। बर्तनों पर अलग अलग है, पीतल का बर्तन हो, तांबे का बर्तन हो, ये बगैर कली के बगैर कली के रखोगे ना बर्तन, सब्जी हरी हो जाएगी, हरी हो जाएगी, खटास आ जाएगी, खटास आ जाएगी, जहर बन जाएगी, जहर बन जाएगी। तो उसमें कली होने से खराब नहीं होती। हाँ कली होने से खराब, ये कली है। अब दोबारा काम शुरू हो गया है, कली का दोबारा होया है शुरू, अब लोग समझने लग गए, बीच में बंद हो गया था, बंद हो गया 20 साल काम ठप रहा। पूरे रेवाड़ी में एक आदमी कर रहा है, रोहतक में करा है, रोहतक में महंगा बहुत है। अच्छा हाँ रेवाड़ी का अच्छा है, रेवाड़ी वाले का दिखा था मैंने, महंगा मुंगा कुछ नहीं भाई साहब। नहीं यहाँ तो ठीक है, यहाँ ठीक है, रेवाड़ी ठीक है, रोहतक महंगा है भाई साहब, कली महंगी है। अच्छा आप एक बर्तन कै रुपए ले हो? छोटे बड़े की बात है जी, 100 रुपए भी ले, इसके कै रुपए लोगे मान लो? 100 रुपए इसके, 100 रुपए ठीक है, 500 रुपए तक भी है। बड़ा बड़े पतीले आ जाते हैं, 2000 रुपए भी ले लेते हैं। अच्छा मेहनत भी है, 50 किलो का पतीला हो, ठीक बात है, जान भी लगती है उसमें, गैस भी लगती है, हर चीज लगती है जी। अब बर्तन होते हैं कम, ज्यादा बर्तन हो फिर तो हम भट्ठी पे करते हैं, बड़े बर्तन भट्ठी पे ना लग जाएगी। कैंची देख के जी वैसे अंदाजा 40 रुपए है। अब काम 20-30 साल से पीछे बिल्कुल कम रहा था। अच्छा
अब ज्यादा चलन आया है। ये चलन पता है किसके कारण आया है? राजीव दीक्षित के कारण। ये तो हमें नहीं पता, हमें पता भी अब काम हमें पता है ना, राजीव दीक्षित का मेन है। हाँ उन कहीं ना फोन नंबर है आपका, कोई संपर्क करना चाहे तो? हाँ जी तो एक बजे दिखा दो फिर फोन नंबर लेंगे। अच्छा ये ऐसे लगेगी इसके हैं, वो पिंगल जा है पानी को ना, वो पिंगल जा है ऐसे। कितने दिन में करानी थी एक बार? ये एक बजे से करा लेंगे, तीन महीने चार ऐसा ही। कोई कोई बर्तन यूज करने के ऊपर, यूज करने के ऊपर बात है। अच्छा दूध वाला बर्तन 500 दफा तक हो जाओ इस्तेमाल कर लो, 600 दफा कर लो। सब्जी वाला, लिक्विड सब्जी वाला 400 दफा कर लो, और सूखी सब्जी वाला 200 दफा। और उसमें भी ये बात है कि सब सब्जी ऊपर रखी और औरत भूल ही गई टीवी देख रही है, जल जाएगा। जब सब्जी जल गई तो कली में तो अब कले की पपड़ी बन जाएगी, उतर जाएगी। संभाग के ऊपर बात है। सही बात है। फोन नंबर बता दो अपना। 93-158-31-067 93-158-06-7 ठीक है। कहाँ कहाँ है आपका ये दुकान? ये चौक बाजार जगाधरी, जगाधरी चौक बाजार, चौक बाजार ठीक है जी। नाम है कोई? अमर लाइट हाउस। अमर लाइट हाउस ठीक है जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कली वाले अंकल जी दिखा दिए हैं, बर्तन की दुकान दिखा दी है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी। ये ये कपड़े का बाजार आ गया। पंसारी बाजार है। ये पंसारी एरिया है छोटा। इसमें तो मसाले की खुशबू आ गई। इतना ही है बस।